25वां बाब, 10 कमारियों की तमसील। उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कमारियों की मानिंद होगी जो अपनी मशनें लेकर दूल्हा के इस्तकबाल को निकली। उनमें 5 बेवकूफ और 5 अकलमंद थीं। जो बेवकूफ थीं, उन्होंने अपनी मशनें तो ले ली, मगर तेल अपने साथ ना लिया। मगर अकलमंदों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी ले लिया। और जब दूल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगीं और सो गईं। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वो सब कुमारियां उठकर अपनी अपनी मशाल दुरुस्त करने लगीं। और बेवकूफों ने अकलमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जाती हैं। अकलमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफी ना हो, बेहतर यह है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मोल ले लो। जब वो मोल लेने जा रही थीं, तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थीं वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गई और दरवाजा बंद हो गया। फिर वो बाकी कुमारियां भी आईं और कहने लगीं, ऐ खुदामंद, ऐ खुदामंद, हमारे लिए दरवाजा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुमको नहीं जानता। बस जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। 3 नौकरों या तोड़ों की तमसील। क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है जिसने परदेश जाते वक्त अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपना माल उनके सपुर्द किया और एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया और परदेश चला गया। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने फौरन जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और पैदा कर लिए। इसी तरह जिसे 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। मगर जिसको 1 मिला था उसने जाकर जमीन खोदी और अपने मालिक का रुपया छुपा दिया। बड़ी मुद्दत के बाद उन नौकरों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे वो 5 तोड़े और लेकर आया और कहा, ऐ खुदामंद, तूने 5 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, ऐ अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा। मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी पास आकर कहा, ऐ खुदामंद, तूने 2 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, ऐ अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा। मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 1 तोड़ा मिला था वो भी पास आकर कहने लगा, ऐ खुदामंद, मैं तुझे जानता था कि तू सख्त आदमी है और जहां नहीं बोया वहां से काटता है और जहां नहीं बखेरा वहां से जमा करता है। बस मैं डरा और जाकर 13 तोड़ा जमीन में छुपा दिया, देख जो तेरा है वो मौजूद है। उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा, ऐ शरीर और सुस्त नौकर, तू जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं बिखेरा वहां से जमा करता हूं। बस तुझे लाजिम था कि मेरा रुपया साहूकारों को देता तो मैं आकर अपना माल सूद समेत लेता। बस इससे वो तोड़ा ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा।
मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे नौकर को बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। आखिरी अदालत। जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने हाजिर की जाएंगी, और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है, और भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को बाएं खड़ा करेगा। उस वक्त बादशाह अपने दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है उसे मिरास मिलो, क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था तुमने मेरी खबर ली, कैद में था तुम मेरे पास आए। तब रास्तबाज जवाब में उससे कहेंगे, ऐ खुदामंद, हमने कब तुझे भूखा देखकर खाना खिलाया या प्यासा देखकर पानी पिलाया, हमने कब तुझे परदेसी देखकर घर में उतारा या नंगा देखकर कपड़ा पहनाया, हम कब तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए। बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये सलूक किया तो मेरे ही साथ किया। फिर वो बाईं तरफ वालों से कहेगा, आए मालूमनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है, क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना ना खिलाया, प्यासा था तुमने मुझे पानी ना पिलाया, परदेसी था तुमने मुझे घर में ना उतारा, नंगा था तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया, बीमार और कैद में था तुमने मेरी खबर ना ली। तब वो भी जवाब में कहेंगे, ऐ खुदावंद, हमने कब तुझे भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या कैद में देखकर तेरी खिदमत ना की। उस वक्त वो उनसे जवाब में कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तुमने इन सबसे छोटों में से किसी के साथ ये सलूक ना किया तो मेरे साथ ना किया, और ये हमेशा की सजा पाएंगे, मगर रास्तबाज हमेशा की जिंदगी।